आज हम फिर से आगे सेक्टर 125 में आपके लिए बहुत ही शानदार विला लेकर, और ये आपका पूजा रूम आ जाता है। ये भी काफी स्पेशियस है, आपको कंसील लाइट्स मिल जाती हैं यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत पार्टीशन। ये चिमनी क्लिक्स ब्रांड की इंक्लूडेड मिलने वाली है, साउंड प्रूफ सिंक है। यहाँ पर आपको 6 डोर वार्डरोब्स मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं। काफी ह्यूज खूबसूरत चैंडेलियर मिल जाता है, फॉल सीलिंग मिल जाती है कंसीलर प्रोफाइल लाइट्स के साथ। जैसे ही आपने ये ओपन किया अपना स्टोरेज स्पेस, अब देख सकते हैं मिरर की लाइट ऑन हो जाती है। चलेंगे हमारे फर्स्ट फ्लोर पे, तो उस पे जाने के लिए आपको प्रॉपर ग्रेनाइट स्टेयरकेस मिल जाता है यहाँ पर, ब्लैक कलर में। बहुत ही सॉलिड आयरन स्लाइडिंग गेट मिल जाता है आपको ग्रे कलर में। बैल्कनी आपकी 4 फीट वाइड रहने वाली है। ये आ जाता है आपका फर्स्ट रूम, सेम साइजेस है, नीचे जैसे थे वैसे ही आपको ये मिलने वाला है। यहाँ पर सारी ग्रॉसरी आइटम्स जो भी बॉक्स होते हैं वो सब यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। कि जैसे आपने ओपन किया, लाइट्स आपको मिल रही है प्रॉपर प्रोफाइल लाइट्स, कितनी खूबसूरत एंट्रेंस मिल जाती है आपको। ये वुडन पैनल्स, कंसील लाइट्स और ये ग्रीन ग्रास आपको मिल जाता है। अगर आप इसे टेनेंट्स को देंगे तो वो ये एज अ पूजा रूम और स्टोर रूम जैसे आप चाहते हैं वैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। स्पेस को सेम टू सेम जैसा नीचे था वैसा ही साइज रहने वाला है आपका। काफी बड़ा पॉश एरिया, जैसे कि आप देख सकते हैं आराम से 2 कार्स आप यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। अटैच वॉशरूम है जो बहुत ह्यूज है, 8x8 का रहने वाला है यहाँ पर। वॉल माउंटेड सीट आपको मिलेगी यहाँ पर, शार्प फिटिंग्स मिलेंगी आपकी चॉइस की। यहाँ पर आपको OTG, माइक्रोवेव ये स्टोर करने के लिए एक सेपरेट कैबिनेट दे दिया गया है। इतने बड़े वार्डरोब्स हैं, स्लाइडिंग डोर वार्डरोब्स हैं। ये रहता है आपका वुडन डोर विद डिजिटल लॉक ओजोन ब्रांड का, जो आपको इंक्लूडेड मिलने वाला है। प्रॉपर टाइल्ड वॉशिंग एरिया आपको मिल जाता है यहाँ पर, नीचे आपको एंटीस्केट टाइल्स मिल रही हैं, कंसील लाइट्स हैं, डेकोरेशन पीसेस रखने के लिए स्पेस है, नीचे स्टोरेज स्पेस है। तो आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग विद वुडन पैनल्स, कंसील लाइट्स, काफी ह्यूज रूम है ये भी रहने वाला। आप देख सकते हैं किंग साइज बेड आराम से यहाँ पर भी फिट इन हो जाएगा। फर्स्ट आ जाता है आपका मास्टर रूम जो बहुत ह्यूज है, फुली मॉड्यूलर किचन मिलने वाला है। स्टोन लुक में आपको ये पिलर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ आ जाता है आपका स्टेयरकेस, आप अपने टेरेस पे जा सकते हैं यहाँ से। इतना ह्यूज ड्राइंग एरिया आपका, 9 सीटर सोफा आराम से फिट इन हो जाएगा सेंटर टेबल्स के साथ। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बिंद्रा स्टेट्स एंड बिल्डर्स के चैनल पर। मैं हूं आपकी होस्ट नितिका शर्मा। आज हम फिर से आ गए सेक्टर 125 में आपके लिए बहुत ही शानदार विला लेकर, बहुत ही पॉश सोसाइटी में। जो हमारा विला आप देख सकते हैं इतनी खूबसूरत एलिवेशन के साथ आता है कि यहाँ रहने का जो मज़ा आने वाला है ना आपको, बिल्कुल एक क्वीन और किंग वाली फीलिंग आ जाती है। जो इसका साइज़ है 200 गज रहने वाला है, 30x60 इसका डायमेंशन रहने वाली है। और यहाँ पर सोसाइटी की मैं बात करूँ तो सेक्टर 125 सनी इनक्लेव में एक बहुत ही पॉश सोसाइटी में आपका ये विला आपको मिल जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पर अराउंड में बहुत ही अच्छी फैमिलीज ऑलरेडी यहाँ पर रह रही हैं। एंट्रेंस की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको ग्रीन एरिया मिल जाता है जहाँ पर अपने प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, ट्रीज ग्रो कर सकते हैं, और साथ ही में यहाँ आपका बर्म एरिया आ जाता है। और फिर एंटर होते हैं आप अपने पॉश एरिया में, और उसके लिए आपको यहाँ पर बहुत ही सॉलिड आयरन स्लाइडिंग गेट मिल जाता है आपको ग्रे कलर में। एलिवेशन घर की देखिए, बहुत खूबसूरत एलिवेशन है, प्रॉपर लाइट्स का इस्तेमाल हुआ है, लाइट कलर, डार्क ब्राउन कलर, रेलिंग्स, प्रॉपर टफन ग्लास, काफ़ी खूबसूरत एलिवेशन है। बहुत ही शानदार एलिवेशन के साथ आपको ये घर मिलने वाला है। अब चलेंगे इसके पॉश एरिया में, काफ़ी बड़ा पॉश एरिया, जैसे कि आप देख सकते हैं आराम से 2 कार्स आप यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। एक SUV आपकी यहाँ पार्क हो जाएगी, और यहाँ पर भी आपको स्पेस मिल जाता है, आप एक और कार यहाँ पर पार्क कर सकते हैं, अपने 2 व्हीलर्स यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। आपको यहाँ पर टैप्स का प्रोविजन दे दिया जाता है, आप अपना पॉश एरिया वॉश कर सकते हैं, अपनी कार वॉश कर सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं लुक्स जो आपके घर के ना बहुत अच्छे, कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको लाइट ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन कलर का काफ़ी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन मिल जाता है। काफ़ी बड़ी विंडो मिल जाती है, और यहाँ पर भी ग्रेनाइट लगा हुआ मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपको फिटिंग्स मिल रही हैं। यहाँ पर आपको वॉल पे मिल जाती है बेज कलर में, स्टोन लुक में टाइल्स, अप एंड डाउन लाइट्स मिल जाती है, ऊपर भी आपको कंसील लाइट्स मिल जाती है, तो नाइट व्यू बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है आपके घर का। यहाँ पर आपका स्टेयरकेस आ जाता है जहाँ पर आप देख सकते हैं आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, अपना सिलेंडर, LPG, इन्वर्टर आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। जो आपका पॉश एरिया ना वो भी काफ़ी खूबसूरत है, आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग विद वुडन पैनल्स, कंसील लाइट्स, और एंट्रेंस देखिए
कितनी खूबसूरत एंट्रेंस मिल जाती है आपको, ये वुडन पैनल्स, कंसील लाइट्स और ये ग्रीन ग्रास आपको मिल जाता है जो लुक एनहांस कर रहा है आपकी एंट्रेंस का विला पे। तो ऑफकोर्स आपके गेस्ट आएंगे तो दिल भी लाइक वाओ कितना खूबसूरत है। यहाँ पर आपको डोर के साथ में वुडन लुक में भी टाइल्स दी जा रही है जो ऑल ओवर आपके पॉश एरिया पे है, तो बहुत एनहांस कर रही है वो लुक। फिर आ जाता है आपका मेश डोर जो बहुत खूबसूरत मेश डोर है, यहाँ पर आपको ग्लास लुक मिल जाती है मेश डोर में और प्रॉपर मेश डोर के साथ ही अंदर आ जाता है आपका वुडन डोर। ये रहता है आपका वुडन डोर विद डिजिटल लॉक ओजोन ब्रांड का जो आपको इंक्लूडेड मिलने वाला है। फिर आपके एंट्रेंस होते ही लेफ्ट साइड पर आपको मिल जाता है काफ़ी बड़ा ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया जिसका साइज 16x14 रहने वाला है। इतना ह्यूज ड्राइंग एरिया आपका 9 सीटर सोफा आराम से फिट इन हो जाएगा सेंटर टेबल्स के साथ, वॉलपेपर एज इट इज़ आपको मिल जाता है, काफ़ी बड़ी विंडो मिल जाती है आपको, सनलाइट और वेंटिलेशन प्रॉपर आपके गेस्ट रूम में आ रही है, देख सकते हैं आप। ये फॉल्स सीलिंग देख रहे हैं, ये एज इट इज़ आपको मिल जाती है जैसी आप देख रहे हैं वैसी, बहुत अच्छा काम हुआ है यहाँ पर, बहुत ही मॉडर्न फिनिशिंग का काम हुआ है आपके घर में। अब सामने आ जाता है आपका डाइनिंग एरिया, बट उसमें जाने के लिए आपको मिल जाती है एक बहुत ही खूबसूरत पार्टीशन, प्रॉपर वुडन पार्टीशन है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छा फ्रेमवर्क हुआ है यहाँ पर, ये लैंप्स मिल जाते हैं आपको और यहाँ पर ना आप देख सकते प्रॉपर वुड है, ये प्रॉपर वुड का काम आपको मिल जाता है, यहाँ पर आपको पैनल्स मिल जाते हैं, काफ़ी खूबसूरत है ये। फिर आप एंटर होंगे अपने डाइनिंग एरिया में जहाँ पर आपको काफ़ी ह्यूज खूबसूरत शैंडेलियर मिल जाता है, फॉल्स सीलिंग मिल जाती है कंसीलर प्रोफाइल लाइट्स के साथ, यहाँ पर आराम से आपका 8 सीटर डाइनिंग टेबल फिट इन कीजिए और सामने आ जाएगा आपका प्रॉपर वुडन LED पैनल जिसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत है, ब्राउन और वाइट कलर का कलर कॉम्बिनेशन मिल जाता है, नीचे आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, डेकोरेशन पीसेस रखने के लिए स्पेस मिल जाता है, यहाँ पर भी आपको स्टोरेज के लिए कैबिनेट्स मिल जाते हैं, देखिए डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है, आपके अपने डेली यूज़ का यहाँ पर सामान रख सकते हैं, सारा हार्डवेयर जो भी आपको चाहिए हो वो आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एंट्रेंस पे आपको कितना खूबसूरत ड्राइंग एंड डाइनिंग मिल जाता है और उसी के सामने आ जाएगा आपका किचन, और किचन के लिए भी यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत पार्टीशन दे दी गई है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि वुडन पार्टीशन है प्रॉपर और ये भी एक बहुत ही खूबसूरत फ्रेम है, यहाँ पर आपको पैनल्स मिल जाते हैं, डिज़ाइनर लाइट्स मिल जाती है प्रॉपर, कितना खूबसूरत है। फिर आ जाते हैं आप अपने प्यारे से किचन में जो बहुत ही अच्छा है, 11x12 का आपको किचन मिल जाता है। किचन में कैबिनेट्स की बात करूँ तो आप कलर कॉम्बिनेशन देखिए, वाइट और ग्रे का काफ़ी खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन में यहाँ आपको मिल जाता है और यहाँ पर आपको वाइट ग्रेनाइट दे रहे हैं हम काउंटर टॉप पर जो बहुत प्रीमियम लुक देता है आपके किचन की। टाइल्स आपको ब्लैक एंड वाइट के कॉम्बिनेशन में मिल जाती हैं, अपर कैबिनेट्स मिल जाते हैं आपको हाइड्रोलिक्स के साथ और काफ़ी ह्यूज कैबिनेट्स है, काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाता है यहाँ पर, सॉफ्ट टच कैबिनेट्स रहने वाले हैं आपके सारे के सारे और यहाँ पर देख सकते हैं आप कैबिनेट्स बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर आपको OTG माइक्रोवेव ये स्टोर करने के लिए एक सेपरेट कैबिनेट दे दिया गया है, यहाँ पर आप आराम से अपना OTG माइक्रोवेव सब स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पर आपको पेंट्री कैबिनेट दे दिया गया है तो आप अपनी यहाँ पर सारी ग्रॉसरी आइटम्स जो भी बॉक्स होते हैं वो सब यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, ये सब आपको इंक्लूडेड मिलने वाला है। ये घर आप जैसा देख रहे हैं ये चिमनी क्लिक्स ब्रांड की इंक्लूडेड मिलने वाली है, साउंड प्रूफ सिंक है, जो भी ब्रांड के आप चाहते हैं फिटिंग्स वो हम आपको लगा के देने वाले हैं यहाँ पर। आपका ड्राइंग रूम, किचन, डाइनिंग जो बहुत खूबसूरत था, यहाँ पर आपको पूजा रूम भी मिलने वाला है और ये आ जाता है आपका पूजा रूम जिसके लिए भी काफ़ी खूबसूरत पार्टीशन दे दी गई है वुड की और साथ ही में आपको ग्लास मिल जाता है जो टेक्सचर्ड है मेश ग्लास बिल्कुल, और ये आपका पूजा रूम आ जाता है, ये भी काफ़ी स्पेशियस है, आपको कंसील लाइट्स मिल जाती हैं यहाँ पर, फैन मिल जाता है, सब कुछ अब प्रॉपर यहाँ पर फॉल सीलिंग दे दी जाती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना पूजा रूम डेकोरेट कीजिए क्योंकि ये बिल्कुल एनहांस करेगा ब्यूटी को आपके घर की। अब चलेंगे हमारे रूम्स की तरफ, तो फर्स्ट आ जाता है आपका मास्टर रूम जो बहुत ह्यूज है, 15x16 जिसका साइज रहने वाला है, बहुत ही बड़े रूम्स हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर, किंग साइज बेड आराम से फिट इन हो जाएगा आपका, साइड टेबल्स आ जाएंगे, ये लैंप्स आपको एज इट इज मिलने वाले और फॉल सीलिंग देखिए इतनी खूबसूरत फॉल सीलिंग है, वुडन पैनल्स, कंसील लाइट्स, बहुत एलिगेंट लग रही है।
वार्ड्रोब्स, इतने ह्यूज वार्ड्रोब्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पर। आपको 6 डोर वार्ड्रोब्स मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं 3 डबल वार्ड्रोब्स मिल जाते हैं। और इनकी खास बात ये है कि जैसे आपने ओपन किया, लाइट्स आपको मिल रही है, प्रॉपर प्रोफाइल लाइट्स, जो बहुत ही अच्छे वार्ड्रोब्स हैं, प्रॉपर लाइट्स के साथ आपको मिल रहे हैं। ऊपर तक एक्सटेंडेड आप देख सकते हैं अपना समर वेयर, विंटर वेयर, और इतना ज़्यादा स्टोरेज स्पेस है, आप कुछ भी स्टोर कीजिए। नीचे शूज स्टोर करने के लिए आपको स्पेस मिल जाता है यहाँ पर। वहाँ उसी के साथ आ जाता है आपका ड्रेसिंग एरिया, यहाँ पर आपको फुल साइज मिरर मिल रहा है, और यहाँ पर भी आपको स्टोरेज स्पेस इनफ मिल रहा है। और ख़ास बात यह है कि जैसे ही आपने ये ओपन किया अपना स्टोरेज स्पेस, आप देख सकते हैं मिरर की लाइट ऑन हो जाती है, जो एक प्लस पॉइंट है यहाँ पर, जो ड्रेसिंग एरिया में बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइट होना। नीचे आ जाते हैं आपके ड्रॉर्स स्टोरेज के लिए, तो काफ़ी खूबसूरत है। आप देख सकते हैं हर एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखा गया, लाइट से लेकर आपके वार्ड्रोब्स तक। यहाँ आ जाता है इसका LED पैनल, जो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट कर रहा है आपके वार्ड्रोब्स को। आप देख सकते हैं कितना स्टाइलिश LED पैनल है यहाँ पर, कंसील लाइट्स आ जाती हैं आपकी। 53 इंच का TV आराम से फिट इन हो जाएगा आपका। यह आ जाता है आपका वॉशिंग एरिया, प्रॉपर टाइल्ड वॉशिंग एरिया आपको मिल जाता है यहाँ पर। नीचे आपको एंटीस्केट टाइल्स मिल रही हैं, यहाँ वॉल पे आपको टाइल्स मिल जाती है, सीलिंग की कोई टेंशन नहीं है। और आप देख सकते हैं प्रॉपर डक्टिंग आपको मिल जाती है, और यहाँ पर भी आपको लाइट्स दे दी जाती है नाइट टाइम पे। अगर आपको अपनी लॉन्ड्री यहाँ पर ड्राई हो गया, आपको उठाने आना है, तो ये लाइट्स कहाँ आने वाली है तब। दोनों रूम्स के साथ आपको अपना वॉशिंग एरिया एक्सेस करने के लिए डोर्स मिल जाते हैं। अब चलते हैं इसके अटैच वॉशरूम है, जो बहुत ह्यूज है, 8x8 का रहने वाला है यहाँ पर। यहाँ पर आपको सेपरेशन दे दी गई है, आपका वेट एरिया और ड्राई एरिया सेपरेट रहने वाला है यहाँ पर। आप देख सकते हैं वॉल माउंटेड सीट और शार एरिया आपका यहाँ पर सेपरेट हो गया है। यहाँ पर ग्रेनाइट दे दिया गया आपको प्रॉपर। टाइल्स देखिए, ब्लैक एंड वाइट कलर में आपको टाइल्स मिल जाती है, प्रॉपर कंसील लाइट्स मिल जाती है, और विंडो भी मिल जाती है सनलाइट और वेंटिलेशन के लिए। 8x8 काफ़ी यूज होता है, और बहुत कम विलाज में आपको इतना बड़ा वॉशरूम देखने को मिलता है। अब चलेंगे हमारे सेकेंड रूम में, जिसका साइज़ आ जाता है 13x16। काफ़ी यूज रूम है ये भी रहने वाला, आप देख सकते हैं किंग साइज बेड आराम से यहाँ पर भी फिट इन हो जाएगा। लैंप्स, वॉलपेपर, फॉल्स सीलिंग एज इट इज़ आपको मिल जाती है, टेक्सचर्ड फॉल्स सीलिंग है विद वुडन पैनल्स। बहुत ह्यूज रूम्स हैं आपके, और इनकी मेन अट्रैक्शन आ जाते हैं इनके वार्डरोब्स। यहाँ पर भी आपको काफ़ी ह्यूज ग्रे कलर में वार्डरोब्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है आपके वार्डरोब्स प्रॉपर। आपको कोट, सूट्स, ये सब कुछ हैंग करने के लिए यहाँ पर स्पेस दे दिया जाता है। और यहाँ पर आपको लाइट्स मिल जाती है इस वार्डरोब के साथ साथ ही में आपको यहाँ पर अपनी इंपॉर्टेंट थिंग्स स्टोर करने के लिए स्टोरेज स्पेस दे दिया जाता है। काफ़ी अच्छे वार्डरोब्स हैं, लाइट्स आपको मिल जाती हैं हर वार्डरोब के साथ। और यहाँ इसका ड्रेसिंग एरिया आ जाता है प्रॉपर, आपको यहाँ पर भी विद लाइट्स आपका ड्रेसिंग एरिया मिल जाएगा, स्टोरेज स्पेस मिल जाएगा नीचे, तो काफ़ी ह्यूज मिरर साथ में मिल जाता है। और इसी से कॉम्प्लीमेंटिंग सामने आ जाएगा आपका LED पैनल, सेम कलर है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो कंसील लाइट्स हैं, डेकोरेशन पीसेस रखने के लिए स्पेस है, नीचे स्टोरेज स्पेस है, काफ़ी ह्यूज है। और बाहर इधर से भी आप अपना वॉशिंग एरिया एक्सेस कर सकते हैं इस रूम से भी। यहाँ आ जाता है इसका अटैच वॉशरूम, 6x8 जिसका साइज रहने वाला है। वॉल माउंटेड सीट आपको मिलेगी यहाँ पर, शार्प फिटिंग्स मिलेंगी आपकी चॉइस की, चाहे आप सेरा चाहते हैं, जैगुआर चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं वो आपको यहाँ पर लगा हुआ मिलने वाला है। काफ़ी ह्यूज वॉशरूम्स थे, बहुत ही ह्यूज बेडरूम्स थे, काफ़ी खूबसूरत ड्राइंग एंड डाइनिंग था। अब चलेंगे हम इसके फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि जो आपका विला है ये डुअल फ्लोर है, 2 फ्लोर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, एक ग्राउंड फ्लोर, एक फर्स्ट फ्लोर। आपको अपना फर्स्ट फ्लोर एक्सेस करने के लिए स्टेयरकेस बाहर से मिल जाता है। उसका एक बेनिफिट है कि अगर आपको रेंटल पर्पज़ के लिए अपनी प्रॉपर्टी देनी है, तो जो आपके टेनेंट्स हैं वो आराम से बाहर से जा सकते हैं, आपकी प्राइवेसी में कोई इंटरफेरेंस नहीं आएगी उसकी वजह से। चलेंगे हमारे फर्स्ट फ्लोर पर, तो उस पर जाने के लिए आपको प्रॉपर ग्रेनाइट स्टेयरकेस मिल जाता है यहाँ पर, ब्लैक कलर में। यहाँ पर स्टील रेलिंग मिल जाती है, और यहाँ पर लाइट्स मिल जाती है आपको आपके स्टेयरकेस में प्रॉपर। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, आप जो आपने एलिवेशन में देखा था, काफ़ी लुक एनहांस कर रहा था ये पैनल आपका, आपने एलिवेशन से देखा ही था। ये पिलर्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं, स्टोन लुक में आपको ये पिलर्स मिल जाते हैं, अप एंड डाउन लाइट्स मिल जाती है, काफ़ी खूबसूरत एलिवेशन है इस घर की। और यहाँ पर आ जाती है आपकी रेलिंग, टफन ग्लास है प्रॉपर, प्रॉपर स्टील मिल जाता है आपको, और नीचे ग्रेनाइट मिल जाता है, तो कलर कॉम्बिनेशन का यहाँ बहुत अच्छा ख्याल रखा गया है।
बैल्कनी आपकी 4 फीट वाइड रहने वाली है, आप यहाँ से आराम से अपनी सोसाइटी का व्यू एंजॉय कर सकते हैं और सोसाइटी भी काफ़ी अच्छी है आपकी। 35 फीट रोड्स मिल जाते हैं आपको और साथ ही में पार्क भी मिल जाते हैं आसपास, काफ़ी ग्रीनरी भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ऑलरेडी फैमिलीज रह रही है जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो अच्छी सोसाइटी है। यहाँ पर आप अपना सिटिंग स्पेस बनवा सकते हैं, स्पेस है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। स्टोन लुक में टाइल्स मिल जाती हैं आपको और फिर एंटर होते हैं आप आपके फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पर आपको मेश डोर मिल जाते हैं एंट्रेंस पे और साथ ही में आ जाता है आपका वुडन डोर और यहाँ आ जाता है आपका फर्स्ट फ्लोर जो बहुत खूबसूरत है। जो आपके ड्राइंग एरिया की पार्टीशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, जो ये भी काफ़ी अच्छे ग्रे कलर में आप देख सकते हैं पार्टीशन। यहाँ पर आपको एक वुडन पैनल मिल जाता है जो डिज़ाइनर है, साथ ही में आ जाता है आपका ड्राइंग एरिया, सेम साइजेस रहने वाले हैं, जैसा नीचे था वैसा ही आपको ये फ्लोर भी मिलने वाला है। काफ़ी बड़ी विंडो मिल जाती है आपको, वॉलपेपर आपको इंक्लूडेड मिलने वाला है, फॉल्स सीलिंग मिल जाती है कंसील लाइट्स के साथ और यही फिर जो आपका पार्टीशन है इससे होके आप आ जाते हैं आपके डाइनिंग एरिया में। सेम टू सेम जैसा नीचे था वैसा ही साइज रहने वाला है आपका। यहाँ पे जो आपको LED पैनल मिल रहा है वो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट कर रहा है आपकी पार्टीशन से जो भी इंटीरियर डिज़ाइन हुआ है ग्रे कलर में उससे। यहाँ पर आप कलर देख सकते हैं, डार्क ग्रे कलर है, वाइट कलर है, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। यहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज स्पेस मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा कैबिनेट्स मिल रहे हैं। यहाँ पर आप डेकोरेशन पीसेस रख सकते हैं, आपको डिफरेंट रैक्स मिल जाते हैं। अब चलेंगे हमारे किचन में, यहाँ पर भी सामने बिल्कुल किचन आ जाता है आपका, फुली मॉड्यूलर किचन मिलने वाला है। यहाँ पर आपको चिमनी नहीं मिल रही है, बस साउंड प्रूफ सिंक है, जो फिटिंग्स आप लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। यहाँ पर ब्लैक ग्रेनाइट मिल जाता है आपको आपके किचन के काउंटर टॉप पे, ब्लैक टाइल्स है, वाइट टाइल्स है, काफ़ी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं आगे, जो इस फ्लोर पे भी आपको पूजा रूम के लिए स्पेस मिल जाता है। अगर आप इसे टेनेंट्स को देंगे तो वो ये एज ए पूजा रूम और स्टोर रूम जैसे आप चाहते हैं वैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं स्पेस को। और अब चलेंगे हमारी रूम्स की तरफ, ये आ जाता है आपका फर्स्ट रूम, सेम साइजेस हैं, नीचे जैसे थे वैसे ही आपको ये मिलने वाले हैं विद वॉलपेपर्स, फॉल सीलिंग, कंसील लाइट्स और यहाँ पर आपको स्लाइड इन डोर वार्डरोब्स मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है, स्लाइड इन डोर है यहाँ पर और यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन आपको ग्रे कलर का मिलने वाला है। यहाँ पर भी ड्रेसिंग एरिया मिल जाता है आपको, टेंशन मत लीजिए, मिरर लगा के ही देने वाले हैं हम। यहाँ सामने आ जाता है आपका LED पैनल और विंडोज़ मिल जाती है आपको, काफ़ी बड़ी विंडो है सनलाइट और वेंटिलेशन के लिए, प्रॉपर लाइट एंटर हो रही है आपके रूम में। और बाहर आपको बैल्कनी भी मिल जाती है एक छोटी सी। यहाँ आ जाता है आपका अटैच वॉशरूम, सारी आपको फिटिंग सेरा या जगुआर की मिलने वाली है, प्रॉपर टाइल्स मिल जाती है ब्लैक वाइट कलर में, काफ़ी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। चलिए हमारे दूसरे रूम में, बिल्कुल साथ में आ जाता है इसके हमारा जो दूसरा रूम है। रूम्स काफ़ी ह्यूज है विला के, आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस घर है। अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर है ना तो ये सोसाइटी और ये घर आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। ये आ जाता है आपका दूसरा रूम आपके इस फ्लोर पे जो बहुत ह्यूज है। इसके वार्डरोब्स देखिए आप, इतने बड़े वार्डरोब्स हैं, स्लाइड इन डोर वार्डरोब्स हैं, जो मर्जी आप स्टोर कीजिए यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज स्पेस है। आप देख सकते हैं डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड है तो आप अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे इस पूरे स्पेस को। यहाँ पर आपको ड्रेसिंग एरिया का प्रोविजन दे दिया जाता है, मिरर आपको लगा के देने वाले हैं। यहाँ जाता है आपका LED पैनल, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट कर रहा है जो आपके वार्डरोब से। इस रूम से आप एक्सेस कर सकते हैं अपनी बैल्कनी को, तो बाहर आ जाती है आपकी बैल्कनी। तो इस रूम से आपको बैल्कनी मिल जाती है, क्यूट सी 3 फीट वाइड बैल्कनी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो अगर आपके टेनेंट्स हैं तो यहाँ पर अपना वॉशिंग एरिया क्रिएट कर सकते हैं और अपनी लॉन्ड्री वो भी ड्राई कर सकते हैं प्रॉपर। यहाँ जाता है इसका अटैच वॉशरूम, ब्लैक एंड वाइट ग्रे कलर की टाइल्स आपको मिल जाती हैं, अच्छा कॉम्बिनेशन है। साथ ही में आपको फिटिंग्स आपकी चॉइस की मिल जाएंगी यहाँ पर भी। तो देख सकते हैं आप कितने बड़े रूम्स है, अटैच वॉशरूम है, ड्राइंग एंड डाइनिंग ह्यूज, फुली मॉड्यूलर, 2 किचन आपको मिल जाते हैं, पूजा रूम मिल जाता है। और अब बाहर मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपको अपनी रूफ एक्सेस करनी है तो उसके लिए आपको बाहर से स्टेयरकेस मिल जाएगा। तो यहाँ आ जाता है आपका स्टेयरकेस, आप अपने टेरेस पे जा सकते हैं यहाँ से
और वहां पर भी अपना सिटिंग स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, आपका 4 BHK 200 गज में इतना खूबसूरत विला, जहां पर आपको सारी मॉडर्न फिनिशिंग की गई है, वुड का काम इतना ज्यादा है और इतना खूबसूरत है, इतनी एलिगेंट फिटिंग्स हैं यहाँ पर, हर चीज़ की बहुत ही अच्छा काम हुआ है यहाँ पर। आपको जो लोकेशन है, बिल्कुल प्राइम लोकेशन है, सेक्टर 125 के बहुत ही पॉश एरिया में ये विला पड़ने वाला है। सिर्फ हमारे पास एक यूनिट है, बिल्कुल देरी ना कीजिएगा, नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कीजिएगा और इस घर को अपना बनाइएगा। अब आप इसका प्राइस जानने चाहते होंगे, राइट? उसी के लिए आप लास्ट तक हमारी वीडियोज़ देखते हैं। तो इसका प्राइस है 1,70,00,000 ओनली, और वो वर्थ इट है इतने खूबसूरत घर के लिए, एक प्राइम लोकेशन पे इतना स्पेस आपको मिल जाता है। तो देरी ना कीजिएगा, नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कीजिएगा। फर्दर डिटेल्स के लिए आप हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और हमारी वेबसाइट पर जाकर चेक इन कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।